हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाने वाली हूँ घुंघनी। घुंघनी पीली वाली जो मटर होती है उसकी बनती है। ये बंगाली का सबसे अच्छा रेसिपी है घुंघनी। तो बहुत दिन से मुझे खाने को मन हो रहा था तो मैंने सोचा आज बना ही लेती हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके चलिए देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें। ये देखिए, ये मटर, ये पीली वाली मटर, ये मैंने दी सुबेरे भिगो के रखे थे और मैंने इसमें एक बड़ा सा आलू डाल के इसको बॉईल कर लिया है। दो सीटी लगा लिया है। इसमें नमक है और इसकी मसाला हमने बना लिया है। तो चलिए दिखाती हूँ। तो इसके लिए हमने दो प्याज बारीक काट लिए, लंबे लंबे बारीक काट लिए हैं। दो हरी मिर्ची काट लिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है। दो बड़े टमाटर मैंने कद्दूकस कर लिए हैं। धनिया पत्ता और एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच डेगी लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच जीरा है लेकिन मैंने इसको दरदरा पीस लिया है, और एक चम्मच धनिया पाउडर है। तो ये पांचों हम मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ कढ़ाई बिठा दिया है, गैस ऑन कर दिया है। मेरी इस कढ़ाई के कलर में मत जाइए, ये बहुत पुराना कढ़ाई है और बहुत मजबूत कढ़ाई है। ये काला है लेकिन बहुत अच्छा है। मैंने इसमें दो तेज़पत्ता भी ऐड कर दिया है। कढ़ाई अभी गर्म हो रहा है। गर्म हो चुका है कढ़ाई, अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। दोस्तों याद रखिए, ये घुघनी जो है ये सरसों के तेल में ही बनता है। तो हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे, ज़्यादा ज़्यादा। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है, हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता। अब हम इसमें प्याज और हरी मिर्च, हम प्याज को ज़्यादा नहीं भूनेंगे, ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, ज़्यादा लाल करने से उसका टेस्ट फिर नहीं आएगा। बस इतना ही भूनेंगे कि उसका कच्चापन निकल जाए। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। इसको एक मिनट तक भूनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कुटी हुई जो जीरा है वो डालेंगे। कुटी हुई जीरा डाल देंगे ताकि इसका कच्चापन ना रहे, तो तेल में हम भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, इसमें ये सारे मसाला डाल देंगे। तो अच्छे से भून लेंगे हम, पूरा इसका तेल निकल जाएगा। नमक हमने बॉयल में डाल दिया था, फिर भी थोड़ा चेक कर लेंगे। तो धीमी आंच पे इसको अच्छे से भूनना है। तो ये मसाला भून चुका है, अब मैं इसमें डालती हूँ बॉयल्ड मटर और आलू। मटर थोड़े से दाने दाने रहने चाहिए, एकदम गलने नहीं चाहिए, नहीं तो घूमने का मज़ा नहीं आएगा। तो हम इसको 2 मिनट से 3 मिनट तक इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे इसी में कढ़ाई में। इसको सजाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा खीरा बारीक काट लिए हैं, बारीक प्याज, हरा धनिया और ये हरी मिर्ची है जिसके मैंने दाने निकाल लिए हैं, और ये नींबू।
फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं, हम इसको खोलेंगे तो देखिए इसका कलर कितना सुंदर है। देखिए बन चुका है, हम गैस बंद कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से ऐसे डाल देंगे। अब हम इसको डेकोरेशन करेंगे तो हम थोड़ा सा प्याज डाल देंगे। आप इसको ऐसे ही खा सकते हो, थोड़ा सा खीरा डाल देंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे और थोड़ी सी आप चाहे नींबू जो खाते हैं डाल सकते हैं, जो नहीं खाते हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने नींबू निचोड़ दिया। तो फ्रेंड्स ये बनके तैयार है बंगाली घुगनी। तो आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं फिर एक नया कोई रेसिपी लेके आऊँगी, तो तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।